असलमक वरहल वबरक मोहतरम सामीनी कराम हराम चीज़ें जिन्हें मामूली समझ लिया गया इस किताब का सातवां गर्स जिसका है हराम को हलाल और हलाल को हराम करार देना समात फरमाएँ मोहतरम सामीन शर्कया अमाल की एक लंबी फहरिस्त आपके सामने इनशा पेश की जाएगी जिनमें से पहले आपके सामने अल्लाह के साथ शिरक करना अल्लाह के अलावा नजर व करना अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जबाह करना ये बयान किया जा चुका है आज इसी की कड़ी की एक उनवान के तहत आपके सामने रखा जा रहा है हराम को हलाल और हलाल को हराम करार देना शिर्क अकबर की एक सूरत जो असर हाजिर में बहुत आम हो चुकी है अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों को हलाल या हलाल करदा चीज़ों को हराम करना है या ये इत रखना है कि अल्लाह के अलावा भी कोई दूसरा शख्स किसी चीज़ को हलाल या हराम करने का इख्तियार रखता है इस तरह अपने मामलों का फैसला करवाने के लिए अपनी खुशी और इख्तियार के साथ गैर शर्य अदालत की तरफ रुजू करना और जाहिलाना वजयी कवानीन से फैसले करवाने को जायज़ और हलाल समझना ये एक अकबर है जिसका तस्करा अल्लाह ताली ने इनफाज में किया सूर तोबा में अल्लाह का इरशाद है इत अहबा वरबान अरबाद उन लोगों यानी यहूदियों और ईसाइयों ने अल्लाह को छोड़कर अपने आलिमों और दरवेशों को रब बना लिया जब यह आयत करीमा हजरत आदि बिन हातिम रजी अल्लाह तहु जो ईसाई मजहब छोड़कर मुसलमान हो चुके थे ने सुनी तो अर्ज किया अल्लाह के रसूल ईसाई अपने उलमा की पूजा तो नहीं करते फिर इनको रब बनाने का मतलब क्या है नबी करीम वसल्लम ने शाद फरमाया क्या ये बात नहीं कि अगर उनके उलमा अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल कर देते तो ईसाई इसे हलाल ही समझते थे और अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को अगर उनके उलमा हराम करार देते तो उनको हराम ही समझते थे इसी का नाम इबादत और पूजा है इसी उसूल के तहत उन्होंने अपने इमामों मुफ्तियों मौलवियों पीरों मुर्शदों और दरवेशों सूफियों को रब आला का दर्जा दे रखा है अल्लाह तला ने मुशरक का ये मजमूम वफफ बयान किया है कि सूर तोबा में के अल्लाह तला के इरशाद है वो अल्लाह और उसके रसूल की हराम करदा चीज़ों को हराम नहीं मानते और ना ही दीन हक़ इस्लाम के सामने गर्दन झुकाते हैं दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कुल आर आई तुम्हर फजाल तुम वन कुल अल्लाह तफ्तर ए पैगम्बर उन लोगों से कह कहिए भला बताओ तो सही अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो कुछ रिस्क भेजा था फिर तुम ने इसका कुछ हिस्सा हराम कुछ हिस्सा हलाल करार दे लिया है आप पूछिए क्या ये हलाल और हराम करने का अल्लाह ने तुम्हें हक़ दिया था या फिर तुम खुद ही अपनी तरफ से अल्लाह पर झूठ बांधते हो अल्लाह ताला की तरफ ऐसी बातें मंसूब करते हो जिनका अल्लाह ताला ने तुम्हें हक नहीं दिया है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अल्लाह ताला की तमाम हलाल करदा चीज़ों पर हला को हलाल समझने और उसे अपनाने और अल्लाह ताला की तमाम हराम करदा चीज़ों से बचने और लोगों को बचाने की तौफीक इनायत फरमाएं वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू